स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 30, जिसकी डेट है 11 सितंबर 2020, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर पकड़ेंगे। ये जो वर्कशीट है आपकी गति के बारे में है, गति मतलब कि वेग। तो अब ज्ञान को फिर से जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि बताइए वेग और चाल में क्या अंतर है। तो दीदी उसको बताती हैं कि किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में जब कोई चाल होती है तो उसको बोलते हैं वेग। जिसे चाल की तरह वी से निरूपित करते हैं, इसको भी वेग को कैसे निकालते हैं हम, वेग को कैसे निकालते हैं, ऊपर विस्थापन लिखते हैं, नीचे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मतलब इंग्लिश में इसका जो फॉर्मूला है वी बराबर एस अपॉन टी। ठीक है बच्चों, वी बराबर एस अपॉन टी लिखेंगे और इसको निकालते हैं। ये वस्तु की चाल को ही नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि किसी किस दिशा में ये जा रहा है, मतलब उसकी दिशा का भी ज्ञान कराता है, वो होता है वेग। और ये एक सदिश राशि होती है, इसका परिमाण चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ बदल जाता है। मतलब अगर चाल और दिशा में परिवर्तन होगा तो इसका जो परिमाण है वो भी बदल जाएगा। इसका SI मात्रक भी मीटर ही होता है। ठीक है, जैसे चाल का मीटर होता है मीटर, तो इसका भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह शून्य भी हो सकता है। ये जैसे यदि आप अपने घर से स्कूल, उसी रास्ते से वापस स्कूल के घर की दूरी 10 मीटर में तय करते हैं, तो उस स्थिति में आपकी चाल तो होगी लेकिन वहाँ विस्थापन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, उसका वेग भी शून्य होगा। ठीक है, जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल या वेग के साथ गति कर रही है तो हम उसकी गति का दर का परिमाण औसत वेग से ऐसे निकालते हैं, औसत वेग, फिर उसका जो शुरुआत वाला प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटे 2। मतलब अगर उसकी 10 मीटर की है तो कैसे निकालेंगे इसको, 10 + 10/2। ठीक है, तो क्या हो गया, 20/2, तो इसका क्या आ गया, 10 मीटर। ठीक है बच्चों, अब मैं साफ में लिख देती हूँ आपको कैसे, ये 20 + 20, जो इसकी प्रारंभिक दूरी 20 थी, दस मीटर है, 20 मीटर नहीं है, 10 मीटर है, और जो इसकी आने की दूरी वो कितनी है, वो भी 10 मीटर है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो कितना हो गया, 20/2, तो क्या आंसर आ गया, 10। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब पूछते हैं दीदी यह हम कब कह सकते हैं कि एक वस्तु एक समान गति में है या नहीं है, और ऐसी स्थिति में वस्तु के वेग का क्या होता है। अब फिर ज्ञान पूछता है, अब जिज्ञासा दीदी फिर बताती है, अगर एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी, मतलब सेम उसकी डिस्टेंस होगी, टाइम होगा, और जो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस में पूरी करती है तो उसकी गति एक समान गति होती है। मतलब एक जितनी दूरी है और एक जितना टाइम है उसमें पूरी करती है तो एक समान होती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी एक समान होता है। मतलब ये चीज़ें अगर बराबर हैं, एक सी हैं, तो फिर क्या होगा, उसका वेग भी ऐसा होगा। लेकिन ये वस्तु अगर अलग अलग हो जाएंगी, अगर दूरी अलग हो और समय अलग हो, तो क्या होगा, उसकी असमान गति में होती है। ऐसी स्थिति में उसका वेग भी असमान हो जाता है। इसे दो प्रकार विभाजित करा जाता है। एक तो होती है त्वरण गति। त्वरण गति कौन सी होती है, त्वरण गति में इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता है। और मंदन गति क्या होती है, इस गति में जो वस्तु का वेग होता है समय के साथ लगातार घटता है। तो मंदन मतलब मंदा होना, कम होता है, और त्वरण गति त्वरित मतलब तेज होना, तो इसमें क्या है, इसका वेग बढ़ता है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इसका उदाहरण कैसे दिया है इन्होंने। एग्जाम्पल है, जैसे एक साइकिल सवार है, बिंदु ए से लेके, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इससे लेके इसमें कितना 40 मीटर की दूरी है, पर जाकर बिंदु सीधे पथ पर जाकर ए बी पर जाकर बिंदु ए आने में 40 सेकंड का समय लेता है ना, तो उसकी चाल तथा वेग ज्ञात करना है। तो आप देखो कुल विस्थापन कितना हो गया, ए से बिंदु ए के बीच की न्यूनतम दूरी 0, ए से ए की न्यूनतम दूरी 0 होगी, कुल दूरी होगी 40 + 40, जाने की 40, आने की 40, और कुल टाइम हो गया 40 सेकंड। ठीक है, तो क्या हो गया, चाल बराबर तय दूरी बटे समय, तो कितना होगा, 80/40, तो कितना आ गया, जब हम 80 को 40 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आंसर, तो इसका 2 उत्तर आ गया।
ठीक है, इस तरीके से इसको निकालते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है। आप देखो, आप तुम्हें खुद को देखो, तुम्हें आया कि नहीं आया। वेग और चाल में अंतर बताइए। तो देखो, वेग क्या होता है और चाल क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल, जबकि किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। ठीक है, और अब दूसरा क्वेश्चन है जो आपको देखना है, आपको निकल रहा है या नहीं निकल रहा। यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात करो। तो देखो, विस्थापन कितना है, 100 है, समय कितना है, 25 सेकंड है। तो क्या करा, 25 से 100 अपॉन 25 कर दिया, तो क्या हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका अंतर, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी से 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड होगा। है सिंपल। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। यदि एक मोटरसाइकिल पर खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो अगर एक मोटरसाइकिल हाईवे पर निश्चित वेग से जा रही है तो यह एक समान गति का उदाहरण है, क्योंकि क्या है, वो एक निश्चित गति से जा रही है। तो क्या है, ये क्या है, एक समान गति का उदाहरण है। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है ना, एक निश्चित वेग से जा रही है, ये व्यक्ति नहीं है, ये गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया बच्चों, इसे देख लेना, निश्चित वेग से जा रही है। ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ पे वेग, यहाँ पे वेग। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट 30, और होपफुली आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो और आप चाहते हैं मैं और वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।